हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील कश्यप और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इस कुछ सिखाने के लिए। लाइक कि मैं टेम्स इन्वेस्टिगेशन पे वर्क करता हूँ, तो मैंने सोचा है कि आपको भी टेम्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बताऊँ। आई थिंक वो क्या है ना, आजकल मुझे समाज सेवा का बहुत चढ़ा हुआ है, तो बस एक समाज सेवा करना चाहता हूँ लाइक सोशल वर्क। ये तो मैं आपके काम नहीं आ सकता, तो सोचा मैं आपके साथ कुछ अपना नॉलेज शेयर कर दूँ। चलो, बड़ी बहुत बड़ी बातें कर ली मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ टेम इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो बेसिकली टेम इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ है ना, वो यूज़ होती है जो सिग्नल्स आपके इन्वायरमेंट में होते हैं, जो मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना किसी ऑपरेटर के, लाइक एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, उसके सिग्नल जो रेडिएट हो रहे हैं, तो वो दिखते हैं कैसे, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारा कुछ देखने के लिए हम टेम इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में हम लोग पहले इसका फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। यूँ तो बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो टेम्स यूज़ करते हैं लेकिन उनको फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। टेम्स का फुल फॉर्म है टेस्टिंग मोबाइल सिस्टम, और मेरे पास है टेम इन्वेस्टिगेशन 13.1.1.60। तो स्टार्ट करते हैं हम, और बिफोर वी स्टार्ट टेम्स इन्वेस्टिगेशन 13.1.60, लेट मी टेल यू कि हमारे पास ना तीन चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वी नीड मोबाइल इक्विपमेंट, सेकेंड वी नीड डोंगल्स, एंड थर्ड वी नीड GPS। GPS इसलिए चाहिए हमें कि जो हमारी करंट पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। डोंगल इसलिए चाहिए कि डोंगल में हमारी लाइसेंस फाइल होती है। डोंगल भी पेन ड्राइव की तरह दिखती है, पेन ड्राइव की तरह प्लग एंड प्ले होती है। और हमें चाहिए अपना जो मोबाइल इक्विपमेंट, बेसिकली हम W995 यूज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम में कुछ और लगा हो तो आप वो यूज़ कर लें। तो ये चीज़ जब आपके पास हो तो सबसे पहले आप डोंगल को इंस्टॉल कर लें। डोंगल इंसर्ट होने के बाद आप क्लिक करें टेम इन्वेस्टिगेशन को। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाती है। जब ये विंडो आ जाए ना, तो आप कहीं सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लो। इससे क्या होती है ना, आपकी जब ये विंडो आती है तो 9 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। 9 सेकंड के ड्यूरेशन के बाद अगर जब ये विंडो आती है ना, वो 83-90 सेकंड हमें मिल जाता है अगर हमने कहीं क्लिक कर दिया। तब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ कुछ समझना है तो पहले इन्वेस्टिगेशन GSM पे क्लिक कर लो। तो मतलब एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। अब आप कर लेना, मैं वो करूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वर्क स्पेस बना के रखा हुआ GF करके। तो मैं अपनी वर्क स्पेस ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से ओके कर लिया। तो अब टेम्स ने अपना सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना, उसको लोड करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये जो 2-3 मिनट लगते हैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, 2-3 मिनट में वर्कस्पेस रिलेटेड जितना भी उसके सेटिंग्स वगैरह होता है ना, वो सारा का सारा ये लोड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये 2-3 मिनट लगता है इसको ओपन होने के लिए, तो इस दौरान कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा और आप आराम से मतलब अपना काम कर सकेंगे। तब तक यह टेम्स के उसके नाम ही पढ़ लेते हैं, स्कॉम नेटवर्क टेस्टिंग टेम्स इन्वेस्टिगेशन 13.1.60, दिस इज़ फॉर द इंडिया एडिशन। बड़ा ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे जो टेम्स का ना, टेम्स के बिना यार कुछ काम नहीं होता। अगर आपको आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका सिस्टम कैसे रेडिएट कर रहा है, उसकी वर्किंग कैसी है, तो टेम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक सॉफ्टवेयर है जो चीज़ें फैच करता है। अब टेम्स इन्वेस्टिगेशन को जैसे मैंने एक अपने ऑलरेडी एक GPS कनेक्ट किया हुआ है सिस्टम से, एक मोबाइल इक्विपमेंट कनेक्ट किया हुआ है, ये चीज़ें कनेक्ट होने के बाद जब ये कनेक्ट हो ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपने अपने लैपटॉप में कनेक्ट नहीं की है, कंप्यूटर में नहीं कनेक्ट की, तो ये चीज़ें नहीं आती है इक्विपमेंट और इसको आपके USB के थ्रू होते हैं, USB में कनेक्ट करना होता है। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ हो गया सोनी एरिक्सन W995 दिख रहा है, इक्विपमेंट 1। अगर मैंने दो हैंडसेट कनेक्ट किए होते हैं तो वो इक्विपमेंट 2 आ जाता है, इक्विपमेंट 1 या इक्विपमेंट 2। और हमेशा आपके GPS है, वो कितने भी आप हैंडसेट कनेक्ट करो, हमेशा लास्ट में अपने इक्विपमेंट को रखो। मैं दो कनेक्ट करता हूँ बस फॉर द डेमो पर्पज़, मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है।
और इक्विपमेंट 3 को जो GPS है मेरा वो थर्ड नंबर पे रखा हुआ है। अब क्या कहते हैं कि ये बेसिक अरेंजमेंट है जैसा हमारा GSM, इसमें मैप आ जाता है आपका, यहाँ GSM रेडियो पैरामीटर ले लीजिए, GSM करंट चैनल ले लीजिए, GSM सर्विंग प्लस नेबर ले लीजिए, GSM कैरियर टू इंटरफ्रेंस ले लीजिए और यहाँ इवेंट ले लीजिए। तो बेसिकली आप देख लो कि मतलब ये विंडो देखता कैसे है। यहाँ मेरा मैप है, मैप को मैंने ले लिया और मैं आपको अरेंज करके भी दिखा देता हूँ, आई थिंक वो बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको भी पता चले कि मतलब कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, प्रेजेंटेशन में जाते हैं। प्रेजेंटेशन में जाके हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशनिंग में जाते हैं। पोजीशनिंग में हमें मैप मिल जाएगा। जब हमें मैप मिल जाता है ना तो बेसिक विंडो हमें ऐसी दिखती है। हमें इस तरह अब इसको अरेंज कर लेना है। ये हमारी अरेंज हो गई। ये सिग्नल सिंबल है, इसको ड्रैग करके जहाँ राइट साइड में लिख दिए ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब हमने ये कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन में जाना है। प्रेजेंटेशन में जाके GSM रेडियो पैरामीटर, प्रेजेंटेशन GSM, GSM देन रेडियो पैरामीटर। यहाँ आपकी रेडियो पैरामीटर्स वगैरह आ गए। इसको थोड़ा छोटा कीजिए ताकि स्पेस मिल सके। फुल DBM को यहाँ खींच लीजिए, सब DBM को भी थोड़ा यहाँ खींच लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए। टच कर दिया हमने। प्रेजेंटेशन में फिर जाइए, GSM में जाइए। GSM में अब उसके बाद करंट चैनल होता है। ये रहा हमारा करंट चैनल, करंट चैनल को ले लीजिए, इसको भी अरेंज कर लीजिए सिस्टमेटिकली। ये हो गया हमारा सिस्टमेटिकली GSM करंट चैनल भी अरेंज। ये कर ली हमने चीज़ें। आप वैल्यू वाली को इसको सिस्टम के यहाँ ले लें, इसको भी अरेंज कर लें। आपकी वैल्यू यहाँ होती है, इसको खींच के यहाँ कर दीजिए अपनी सहूलियत के लिए। इसके बाद ये ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, दो चीज़ें हो गई आपकी, GSM रेडियो पैरामीटर हो गई, GSM करंट चैनल हो गई। अब आपको करना क्या है, GSM में फिर से जाइए। अब आपको लेना है सर्विंग प्लस नेबर। सर्विंग प्लस नेबर में आपके जो करंट चैनल जिस पे आपको सेल पे आप लैच हैं उसके नेबर में कौन कौन से सेल ऑल भी आ रहे हैं उसकी जानकारी आपको इसके मिल जाती है सर्विंग प्लस नेबर में। अब इसके बाद आप प्रेजेंटेशन में फिर से जाइए। इसके बगल में आपको एक CBI की विंडो रखनी है, कैरियर टू इंटरफ्रेंस। वो आपके इंटरफ्रेंस वाले से आएगी। यहाँ इंटरफ्रेंस पे क्लिक कीजिए, CBI। CBI ने होने के बाद यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये हो गई, ये चार चीज़ें हो गई। चार चीज़ें होने के बाद पांचवी चीज़ है जो हमारी इंपॉर्टेंट है, वो सिग्नलिंग में इवेंट है। इवेंट एक प्रकार का नोटिफिकेशन होता है जो भी आपके सिस्टम में हो रहे हैं, जो भी आपके मोबाइल के में मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो इवेंट के थ्रू दिखते हैं। तो यहाँ आप मैसेजेस में चल जाइए, यहाँ इवेंट हो गया। तो बेसिक हमारा अरेंजमेंट बस यही है। ये सारी चीज़ें जो मैप वगैरह दिख रही हैं ये सारी चीज़ें एक्चुअली दिखती नहीं हैं। तो मैं भी इसको भी बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा के बता देता हूँ कि आपको चीज़ें करनी कैसी हैं। रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, MIPT साइड जो है। अब ये हमारा खाली हो गया। अब हम सेल फाइल को भी रिमूव करते हैं। सेल फाइल भी एक प्रकार का डेटाबेस होता है। ये जनरल में जाइए, अब सेल फाइल लोड होता है, इसको भी रिमूव कर दीजिए। करना है आपको नहीं, मैं ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है तो वो कर रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ आपको लोड मैप कैसे लोड करना है, इसके वेक्टर कैसे लोड करना है। सो सबसे पहले यहाँ जियोसेट मैनेजर होता है, जियोसेट मैनेजर पर क्लिक करें तो एक विंडो आएगी। अगर ओपन है ऑलरेडी आपने क्रिएट किया तो उसको ओपन करें, नहीं किया हुआ तो यहाँ कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद फाइल में जाएं, जियोसेट के फाइल में जाएं, वहाँ ओपन न्यू जियोसेट करें, न्यू जियोसेट में ऐड करें। ऐड जब आप करते हैं तो अपना जो साइट का डेटाबेस वगैरह है ना, जो आपके ऑपरेटर ने आपको दिया हुआ है, वेंडर्स ने आपने को दिया, तो वो आपको ऐड करनी होती है बेसिकली। मैंने यहाँ डी में मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो टेम्स डेटा में मैंने सेव करके रखा है एयरटेल मुंबई। तो मैं एयरटेल मुंबई में मैं जाऊँगा जो मेरी लेटेस्ट होगी। MIPT सिस्टम मेरी December 15 की लेटेस्ट है, तो इसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ MIPT साइट होती है, MIPT साइट को मैं ओपन ऐसे दोनों ले सकते हैं। मैं पहले लेता हूँ MIPT साइट की। ये मैंने MIPT साइट ले ली, इसको मैं जैसा भी क्लिक करूँगा
अब मैंने यहाँ ले ली, अब ऐड होगी एम आई पी टी साइड। इसके अगर मैंने मुझे सेक्टर्स के डिस्प्ले वगैरह चेक करने हैं ना, एम आई पी टी साइड होने के बाद वो सेक्टर्स वगैरह दिखेंगे, उसके अगर सेक्टर को उसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए लाइट ही हो। तो हमने लाइट कलर ले लिए, इसको अरेंज कर दिया, ये सारा कुछ अरेंज हो गया। इसके बाद हमने क्या, हमें वेक्टर्स लोड करने, वेक्टर्स जो होता है ना, जो हमारे रोड्स वगैरह होते हैं, अगल बगल के जो भी प्लेसेस वगैरह हैं उसके नाम क्या होता है ना, उसके लिए वेक्टर्स यूज़ करते हैं। अब महाराष्ट्र वेक्टर्स में मैंने रखा हुआ है, महाराष्ट्र वेक्टर में अपडेटेड वेक्टर महाराष्ट्र, इसको मैंने लोड कर लिया। ये दो चीज़ें मेरी लोड हो गई। लोड होने के बाद इस तरह का कुछ दिखता है। मेरे पास ये महाराष्ट्र का वेक्टर है, तो टोटल और मुंबई महाराष्ट्र के सारी चीज़ें इसमें हैं। अब मैं आपको आपकी साइटें दिखाता हूँ जो हमने एम आई पी टी लोड की हुई है। तो ये हमने साइटें लोड की हुई हैं। तो इस तरह के तीन सेक्टर दिखते हैं, चार सेक्टर भी होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ चार सेक्टर हैं। अब आपको करना क्या है, इसको सेव करना है, सेव जियो सेट। सेव जियो सेट करने के बाद वो पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, दो बार पूछता है, एक बार सेव करो आप पाथ देके, दोबारा भी मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो मैं सेव नहीं करूँगा। तो मैं अब उसके बाद ये क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ उसके बाद ये करने, सेव करने के बाद आप करना ओपन मैप में जाना। ओपन मैप में मैंने सेव करके रखा हुआ है GSM दिसंबर 15, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन होने के बाद ये मेरा ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, इसके राइट साइड में देखिए, पोजीशनिंग मैप करने के बाद वो पोजीशन बदलता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेयर कंट्रोल, लेयर कंट्रोल में अगर आपको कुछ टैब्स वगैरह आपके दिए हैं, रेफरेंस टैब लेयर कंट्रोल में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ लेयर कंट्रोल पे क्लिक कीजिए, जैसे हमने अभी एम आई पी टी साइट डेटा वगैरह क्लिक किया, ये सारी चीज़ें आप वो टैब्स वगैरह आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थीम सेटिंग, ये जो है ना, ये थीम सेटिंग, थीम सेटिंग में जाइए तो ये विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। पहले सबको अनचेक कीजिए। अब आपको करना क्या, यहाँ देखिए MS1 RX लेवल सब DBA में पहले ऑलरेडी दिख गया हुआ है। तो हमने अपना सिस्टम जो है MS1 पे करना, एक इक्विपमेंट लिया हुआ है MS1, तो MS1 पे करेंगे। MS1 पे कर लिया, RX लेवल सब DBA में फुल लिखा हुआ है। दो प्रकार के DBM होते हैं, एक फुल DBM होता है, एक सब DBM होता है। फुल DBM में आइडियल चीज़ें लेते हैं, सब DBM में हम डेडिकेटेड जब कॉल लगती है ना तो सब DBM लेते हैं। तो हमने आइडियल के अभी कुछ लिया हुआ नहीं है, हमने जब कॉल लगती है उसमें कितने लेवल हमारी आती हैं वो सारा कुछ लिया हुआ है। तो ये MS1 RX लेवल सब DBM ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ऐड थीम करना है फुल DBM के लिए। तो सिस्टम को आपको GSM पे सिलेक्ट कर देना है, MS1 ले लेना है, यहाँ RX लेवल सब DBM हमें फुल DBM चाहिए, तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ ऊपर ही जस्ट उसके फुल होगा, RX लेवल फुल DBM, फुल DBM ले लिया इसको जस्ट। उसके बाद साइज़ क्या करनी है, साइज़ आपको फिक्स पे रखनी है, सिंबल आपको फिक्स पे रखना है, यहाँ ओके कर देना है। ये आ गया आपका नीचे एक बन के। फिर से एक ऐड थीम ले लीजिए क्वालिटी के लिए, सिस्टम में GSM ले लीजिए, इसको MS1 पे कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है ये, फिर से यार जो रेंजेस है यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। रेंजेस पे क्लिक करने के बाद नीचे आइए, RX क्वालिटी सब ले लीजिए। क्वालिटी हमेशा सब में होती है, जो भी डेडिकेटेड चीज़ें होती हैं ना कॉल लगने के बाद, वो सारी की सारी सब में आएंगी। अब ये ले लिया हमने, फिर से यहाँ साइज़ फिक्स कर लिया, सिंबल भी फिक्स कर लिया, इसको ओके कर दिया। अब ये हो गए सारी कवरेज की सेटिंग्स। अब आपको जाना क्या करना है, AMR लेयर होता है यहाँ, अनचेक होता है, इसको बस आप एक बार चेक कर दें, एक बार अनचेक कर दें, छोड़ दें। इसके बाद इवेंट लेयर को अनचेक कर दें, क्योंकि बहुत सारा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। लाइक आपके जब भी इवेंट आएंगे कुछ हैंड आ जाएगा, तो वो इसमें इतना डेंस हो जाता है ना, तो आपकी चीज़ें दिखती नहीं हैं जो आपने की हुई हैं। तो मैं हमेशा इसको अनचेक ही करता हूँ। उसके बाद सेल लेयर को आप एक्सपांड करें, ये तीन चीज़ें दिखेंगी आपको। सबसे पहले आपको करना है सेल थीम पे क्लिक करना है, सिस्टम में इसको GSM पे कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सेल लेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप सेल लेबल है, इसको पहले मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहें। पहले तो सबसे पहले आप कर लो एक चीज़ में जो आपको बताना भूल गया था, कि जैसे हमने MIPT क्रिएट किया ना साइट डेटा, उसमें जनरल लोड फाइल भी, सेल फाइल भी होती है, सेल फाइल लोड करके एक ऑप्शन होता है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, ऐड कर लीजिए। सेल फाइल कर लेते हैं हम पहले ऐड। सेल फाइल ऐड करने के लिए फिर से वही मेल .cl करके एक फ़ाइल होती है जो सिस्टम से जनरेट होती है,
अब हमने कर लिया इसको ये चीज़। अब आपको सेल एयरटेल सेल फाइल मुंबई पे क्लिक कर लीजिए। ये मेरी लेटेस्ट सेल फाइल है .cl करके आती है, इसको ओपन कर लीजिए। ये ओके हो गई। ओके होने के बाद ये लोड हो गई। अब ये लोड हो गई। लोड होने के बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद देखिए साइट डेटाबेस आ गया। अब हम जाते हैं थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग में हमने ऑलरेडी कवरेज लेयर की हुई है। अब सेल लेयर में जाते हैं। सेल लेयर में सेल थीम होता है, तो यहाँ सेल लेबल जो होता है ना, देखिए अभी पहले यहाँ इसके सेक्टर्स के कौन से सेक्टर है और कौन सी सेल आईडी हमें दिख नहीं रही है, सेल आईडी का नाम नहीं दिख रहा है। जैसे हम सेल लेबल पे क्लिक करते हैं ना, ओके करते हैं, तो हमें अब यहाँ नाम दिखने लगेगा। ये अभी प्रोसेस हो रहा है सारी चीज़ें। आपका देखिए माउस और कर्सर घूम रहा है। अब यहाँ आगे 3201 पहले नहीं थी, तो आपका सेल लेबल भी हो गया, सेल फाइल लेबल हो गई है। फिर से सेटिंग में जाएँ, सेल लेयर में क्लिक करें। अब इस सेल फाइल जो दी हुई होती है, मतलब हमारी सहूलियत के लिए जब हम सेल फाइल होती है ना, तो वहाँ एक ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की लाइन होती है। कलर हम दे सकते हैं उसको कोई भी। तो वो लाइन, जैसे अब मैं इस पोजीशन पे हूँ और मेरी सेल, मेरा साइड यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन आ जाएगी एक सेल फाइल में जब हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो आपको बार बार ना करंट चैनल में देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा सिग्नल आ रहा है। ये लाइन ना फटाफट से और दिखाएगी किसी सेल पे है। उसके करने के लिए ये तीन चीज़ें हैं। अब फिर से एड थीम पे क्लिक कीजिए। सिस्टम को यहाँ GSM पे कर लीजिए। रेंज पे इस RX लेवल सब DBM रहने दीजिए, फुल DBM रहने दीजिए, जो आपको मना है वो कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये नहीं, ये मैंने कवरेज लेयर पे क्लिक करके रखा हुआ इसलिए वो दिख रहा है। आपको यहाँ सेल लेयर पे क्लिक करना है, हाईलाइट होना चाहिए। तो इसकी अलग सेटिंग होती है, एड थीम होती है, सेल लाइन थीम। उसके बाद एक ऐसा कुछ दिखेगा सिस्टम में, GSM में देख लीजिए, MS1। इसको मैंने कलर ब्लू दिया है, तो ब्लू कलर से। और ये बाकी चीज़ें बस यहाँ सर्विंग सेल लाइन पे होनी चाहिए क्लिक। ये बाकी चीज़ें एंटीक होनी चाहिए जैसा विंडो में दिख रहा है। इसको ओके कर दीजिए, इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये होगी बेसिकली आपकी मैप सेटिंग। अब जब भी आप यूँ, तो मैं अभी घर पर हूँ, आपको घर पर करके नहीं दिखा सकता कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, लेकिन मैं आपको लॉग फाइल प्ले करके ज़रूर दिखाऊंगा। अब ये मैंने कर ली एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फुल में आ जाती हैं, करंट चैनल आ जाता है 124.91 हो गया। अब ये चीज़ें हैं इसमें, जे पर्टिकुलर विंडो में ना आप देखेंगे जो रेंजेस हैं माइनस में होती हैं, DBM में वैल्यू होती है इसकी, डेसिबल मिलीवैट भी होती है। RX लेवल जो DBM जो कहते हैं ना, डेसिबल मिलीवैट, ये होता है लॉगरिथमिक टर्म होता है, जो हम लोग आउटपुट पावर होती है ना उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी सेल फाइल हो गई, इसमें CGI होता है, इसमें आपका 404 हो गया जो मोबाइल कंट्री कोड हो गया, 92 मोबाइल नेटवर्क कोड हो गया, 1337 लैक आईडी हो गई, 1249 सेल आईडी हो गई। ये सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे करके जाएंगे, बस आज कुछ बेसिक चीज़ें हमने जान ली हैं, इस पे कंसल्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट है, बेसिक अरेंजमेंट है जो हम बेसिकली करते हैं ड्राइव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ हमने कर ली। अब हम मैं आपको यहाँ कॉल करके दिखाता हूँ कि कॉल करने के बाद कौन कौन सी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। कॉल अटेम्प्ट, कॉल एस्टैब्लिश्ड। कॉल अटेम्प्ट होने के बाद ये चीजें आपकी हाईलाइट हो गई। तो बेसिकली ये चीजें अब आपकी हाईलाइट हो गई हैं, तो मतलब आप ड्राइव करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें को सेटिंग करनी होती हैं, जो मैं चीज़ों की सेटिंग मैं आपको अगले अपने वीडियोस में दिखाऊंगा कि वो चीज़ें कैसी हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम देखेंगे कि आज की बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती कैसी हैं। तो लास्ट टाइम बस आपको लॉग फाइल प्ले करके स्टार्ट करवा देता हूँ। अब मैंने कॉल बंद कर दी है। कॉल एंड। अब यहाँ से मैं डीएक्टिवेट करूँगा। यू बेसिकली मैं अपनी चीज़ें MS2 पे रखता हूँ, यहाँ MS1 मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो हम थीम सेटिंग में जाएंगे, कवरेज में जाएंगे, एक MS2 की भी एड थीम करेंगे। TCD में GSM MS2 RX लेवल, इसको रेंज पे रख दिए, फिक्स पे रख दीजिए 12 पे, ये सिंबल भी फिक्स पे होगा। ये क्लोज़ करें, एक हमारा बाकी MS1 एक MS2 का भी हो गया। तो क्लोज़ करें, एक लॉग फाइल ओपन करते हैं। जी, हैंड ओवर। लॉग फाइल होने के बाद ये ब्लू कलर की लाइन देखिए आ गई।
ये ब्लू कलर की जैसे जैसे वो मूव होता जाएगा ना, वो अपना आपका ये भी ब्लू लाइन भी मूव होती जाएगी। call attempt, call established, hand over. ये एक प्लेस से दूसरी तरफ, तो वो दिखा रहा है सिग्नल कैसे जीपीएस की वजह से, और ये ब्लू लाइन ना मैं इस पे अटैच हूँ वहाँ से दिखा रहा है, जिस पे भी आप सेक्टर पे लैच हो, मैं पीछे लैच हो गया, अब इसके सिग्नल मुझे मिल रहे हैं, अब इस सेल के सिग्नल मुझे मिल रहे हैं, तो अरेंजमेंट है। अब मैं आपको बंद करता हूँ इसको। Call attempt. Call established. Hand over. और यहाँ नीचे जो आ रहे हैं ये बिट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली आपको मोस्टली इसके 3G के दिख रहे हैं, compressed mode जो है WCDMA के। अब यहाँ मैंने दो चीज़ें की हुई थी, एक WCDMA में किया हुआ, WCDMA में मेरा है जो मेरा 3G सिस्टम है उसको मोबाइल इक्विपमेंट 1 पे किया हुआ था, और GSM को मोबाइल इक्विपमेंट 2 पे किया हुआ था। अब ये WCDMA में, WCDMA की भी एक विंडो होती है, यहाँ प्रेजेंटेशन में जाएँ, GSM में, WCDMA में जाएँ, यहाँ एक्टिव सेट नेबर करें, एक्टिव सेट नेबर करने के बाद इसको नीचे कर लें। अब इस पर राइट क्लिक करें, वाइट वाली जगह पे प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, MS1 यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ ओके कर दें, तो इस सेट आ गया। ये सारे कुछ अरेंजमेंट हैं इसके नेबर के। अब यहाँ हमारा MS1 यहाँ हो गया, मैं इसको MS2 कर देता हूँ ताकि साकी आपको बाकी चीज़ें दिखें। यहाँ ये MS2 कर दिया मैंने, यहाँ इसको भी मैं MS2 कर देता हूँ। बेसिकली आप जिस पे भी इसको रखेंगे ना प्रॉपर्टीज़ में जाके, वो चीज़ें आपको दिखेंगी अब इसकी वहाँ। तो यहाँ मैंने ये सारी की सारी अरेंजमेंट कर दी हुई है। अब यहाँ आपको दिख रहे हैं कि पैरामीटर, यहाँ आप क्लिक करें, आप चेक कर सकते हैं यहाँ कितना लेवल था, यहाँ लेवल कितना है, यहाँ 79 का लेवल है, यहाँ कितना था, यहाँ 67 का लेवल है। ये वाइड जो हमारी ये येलो वन मतलब कि हमारी एवरेज होती है 85 to 95, एवरेज हो जाती है 95 के पे जब सिग्नल जाते हैं तो वो रेड होने लगते हैं। तो यहाँ जब भी 95 के सिग्नल जाएंगे ना तो इस आपका यहाँ रेड होने लगेगा। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट है, आप पूरी तरह ड्राइव टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ड्राइव टेस्ट करने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर दें, ये सिस्टम को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद लॉग फाइल में जाएं, लॉग फाइल में जाके आप रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ में जाएं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ में आप ब्राउज फाइल करें, एक पाथ दे दें अपने सिस्टम को, यहाँ क्विक लॉगिंग पे चेक कर रहे दें, स्वैप फाइल पर आफ्टर यहाँ 30,000 दे दें, यहाँ सैंपल 30,000 सैंपल कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा आपका लॉग फाइल, मतलब एक नई लॉग फाइल स्टार्ट हो जाएगी। क्विक फाइल मार्क को अनचेक करें, ये बाकी चीज़ें अनचेक रहने दें, यहाँ ओके कर दें। अब क्या करें, यहाँ रेड बटन आता है स्टार रिकॉर्डिंग का, इस पर क्लिक कर दें। स्टार रिकॉर्डिंग क्लिक करने के बाद आपको तीन चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, एक इंसर्ट फाइल मार्क, अगर कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं और वो ड्राइवेबल रूट नहीं है, कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ, तो आप कमेंट में लिख दें, एक प्रकार का कमेंट टाइप है कि वहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो जब आप किसी चीज़ का एक्सपोर्ट मारेंगे ना तो वो चीज़ें नज़र आएंगी। ये आपकी पॉज होगा, आपको लॉग फाइल को पॉज करनी है तो इसको पॉज कर लीजिए। ये मैन्युअली स्वैप का बटन दिया, अब आपको लगता है कि लॉग फाइल बड़ी होगी उसको स्वैप करना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको लगता है थोड़े में टाइम में करना है ना स्वैप, तो आप यहाँ से स्वैप कर लीजिए, यहाँ से स्वैप हो जाएगा। अब आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी है, यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आपका लॉग फाइल आपके पास पे सेव हो गया है, ओके कीजिए। जब आपको फिर से अगर आपको देखनी है लॉग फाइल ओपन करने की, बस उसको जहाँ आपका पाथ है लॉग फाइल ओपन करके दीजिए। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट है कि टेम इन्वेस्टिगेशन में वर्क कैसे किया जाए। टेम इन्वेस्टिगेशन की बेसिक विंडो देखी कैसी जाती है, आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, एक GPS चाहिए, एक डोंगल चाहिए, मैप की विंडो यहाँ लेफ्ट साइड में, GSM रेडियो पैरामीटर, GSM करंट चैनल अगल बगल में, GSM सर्विंग प्लस नेबर, GSM फिर ये अपना GSM सर्विंग प्लस नेबर, ये हो गया इवेंट की विंडो हो गई। अगर दो इक्विपमेंट आपने कनेक्ट किया है तो रेडियो पैरामीटर GSM करंट चैनल की दो विंडो आएगी, तो आप कुछ ही नहीं करना, आपको फिर से एक ले लीजिए GSM करंट चैनल की विंडो ले लीजिए, इसको MS2 कर दीजिए, क्योंकि दो मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं ना आप, इसको MS2 कर दीजिए और इसके नीचे जैसे ऐसे कर दीजिए, तो एक में आपको मोबाइल इक्विपमेंट के रीडिंग आएंगे MS2 में, और मोबाइल MS2 में दूसरे इक्विपमेंट के। इसी तरह GSM रेडियो पैरामीटर का भी ऐसे नीचे रख के पर्टिकुलर आप अरेंज कर लीजिए। तो ये थी बेसिक अबाउट द टेम्स इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपने कुछ आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आप बार बार इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकें। आई होप
इसको वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब कि ये टेम्स की चीज़ें वर्क कैसी करती हैं। तो अब मेरा काम आज का बस यही था, आपको चीज़ें बेसिक बताना, टेम्स वर्क कैसे करते हैं जो मैंने बता दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि टेम्स की विंडो में जो पैरामीटर्स वगैरह दिखते हैं ना, उनकी मीनिंग क्या होती है। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो अपने अलग सेशन में हम बात करेंगे टेम्स के अलग अलग पैरामीटर्स वगैरह के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।